स्वागत है भाइयों आपके अपने भाई के चैनल कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट्स में। तो भाइयों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मुकाबला खेलने वाले हैं सुपर स्मैश 2018-19 में ओटागो बोल्ट वर्सेस नॉर्दर्न नाइट के, अगर आप ड्रीम इलेवन पे ये मुकाबला खेलेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम करेंगे इस मैच की पूरी एनालिसिस और बनाएंगे अपनी ड्रीम इलेवन की एक बेस्ट टीम। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, और अभी तक आपने अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने इस भाई के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने इस भाई को सपोर्ट करें और इस चैनल को आगे तक ले जाने में मेरी मदद करें। तो भाई आपको बता देते हैं कि यह जो मुकाबला है मोलियनिक्स पार्क अलेक्जेंड्रा में खेला जाएगा, और अगर आप मैच की कोई डिटेल्स देखना चाहें तो यहाँ पर मैच की पूरी डिटेल्स मैंने दे रखी है तो आप देख सकते हैं। और चलिए एक नज़र यहाँ पर डालेंगे। हालाँकि आपको बता दें कि दोनों ही टीमों की तरफ से फिलहाल कोई टीम न्यूज़ नहीं है। हालाँकि जो उन्होंने पिछले मुकाबले में प्लेइंग एलेवन लेके गए थे वही प्लेइंग एलेवन आपको खेलते हुए नज़र आ जाएगा, और अगर एक कोई चेंजेस होगा तो मैं आपको प्लेइंग एलेवन में बता दूंगा, और बता दूंगा कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होगा तो मैं उसे अपने टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दूंगा। हालाँकि फ़िलहाल कोई इंजरी की न्यूज़ नहीं है। तो चलिए एक नज़र डालेंगे दोनों ही टीमों के बेस्ट परफॉर्मर पर, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा पिक रहेगा। आपको बताया कि ओटागो वोल्ट की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाया है अनरू किचन ने, जो कि पिछले दो इनिंग में 96 रन बनाया है इन्होंने, और वही नील ब्रूम ने बनाया है 66 रन पिछले दो इनिंग में, और एच रदरफोर्ड ने बनाया है 63 रन दो इनिंग में। तो ये जो है टॉप ऑर्डर, मतलब कि टॉप बैट्समैन है जिन्होंने अभी तक टॉप स्कोर किया है ओटागो वोल्ट्स की तरफ से। और वहीं विकेट लेने के मामले में बता दें सिविल जोन जिन्होंने लिया है 6 विकेट और जेकब डब्बी ने लिया है 2 विकेट। तो ये जो है टॉप स्कोरर रहे हैं ओटागो बॉल्स की तरफ से रन के और ये विकेट के। और वहीं नॉर्दर्न नाइट की बात की तो नॉर्दर्न नाइट की तरफ से डी बॉर्डलिन ने बनाया है 110 रन पिछले दो इनिंग में, और आपको बता दें टीम सिरफेट ने बनाया 101 रन पिछले दो इनिंग में। तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं दोनों ही नॉर्दर्न नाइट की तरफ से। और आपको बता दें एंडन डेविज ने लिए हैं 5 विकेट पिछले दो इनिंग में, एस क्यूगिलजिन ने लिए हैं 3 विकेट पिछले दो गेम में, और वहीं आपको बता दें मिचेल सेंट्रन और इसी को मिले हैं 2-2 विकेट। तो ये सभी जो है बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं नॉर्दर्न नाइट की तरफ से, तो आप इनको अपनी टीम में बिल्कुल ले सकते हैं और इस इनको अपनी टीम में जगह देके काफ़ी अच्छा टीम बना सकते हैं। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं यहाँ पर दोनों ही टीमों की तरफ से प्लेइंग एलेवन की। तो बता दें आपको ओटागो की तरफ से नील ब्रूम आपको खेलते नजर आएंगे, हेमस रदरफोर्ड है, आंड्रू किचन है, बेन कॉक्स है जो कि इनके विकेट कीपिंग करते हैं, स्वान हिक्स है, जोस फैनी है, माइकल रिपन है, नाथन स्मिथ है, क्रिश्चियन विल्जोन है, जेकब डफी है, जैक हंटर या मैट बुकॉन में कोई एक खेलेगा। देखिए यहाँ पे जो एक प्लेयर रिस्की रहने वाले हैं मैंने यहाँ पे बता दिया कि जैक हंटर या मैट बुकॉन में से कोई एक खेलेगा, तो हो सकता है टीम किसी एक को खिलाए। और वहीं बता दें नॉर्दर्न नाइट की तरफ से आपको टीम सरफिट खेलते नज़र आ जाएंगे, काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने दो मुकाबलों में। एंटन डविच खेलते नज़र आ जाएंगे, ऑलराउंडर की भूमिका निभाते और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी अच्छा इन्होंने बॉलिंग किया और 5 विकेट भी झटके हैं दो इनिंग में। और वहीं बता दें आपको डैन फ्लाइन है, डैन बॉर्डलिन है, ब्रेंट हैम्प्टन है, डैडी मिकल, माइकल स्टेंटन, कोरी एंडरसन आपको खेलते नज़र आ जाएंगे, स्कॉट कुंगलिजन है यहाँ पर, इसोदी और ब्रेट रेंडल हैं। तो ये प्लेइंग एलेवन रहने वाले हैं नॉर्दर्न नाइट की तरफ से। तो चलिए देख लेते हैं आप किस प्रकार ड्रीम इलेवन की टीम बना सकते हैं इस मुकाबले के लिए। तो चलिए भाइयों यहाँ पे देख लेते हैं आप किस प्रकार ड्रीम इलेवन की टीम बना सकते हैं ओटीजी और नॉर्दर्न नाइट के मुकाबले के लिए। बात करेंगे सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की। तो देखिए विकेट कीपिंग सेक्शन के आपके पास जो दो सेफ ऑप्शन यहाँ पे बचते हैं टीम सेफिट और बेन कॉक्स, आपको बता दें कि टीम सेफिट जहाँ पिछले दो मुकाबलों में बनाया इन्होंने 101 रन और काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेहतरीन पिक होंगे। हालाँकि आप देखेंगे यहाँ पे 86.9% लोगों ने इनको आज के मुकाबले में पिक किया। इस मुकाबले में इसका रीज़न ये है कि दोनों ही मुकाबलों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने पिछले दो मुकाबले में, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये रहने वाले आपके लिए। हालांकि अगर आप ग्रैंड लीग ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल बेन कॉक्स को एक टीम में जरूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से टीम से फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं, और ये आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन हो जाएंगे। वहीं बैटिंग सेक्शन से बात करें तो केन विलियमसन तो नहीं खेलेंगे, मत ट्राई कीजिएगा, यहाँ से मैंने लिया हेमस रदरफोर्ड, नील ब्रूम, डैरी माइकल और डी एन बॉर्डलिन। मेरे हिसाब से जो चार बैट्समैन जो बेस्ट रहेंगे यही चारों बेस्ट बैट्समैन रहेंगे, और अगर आप यहां पर रिस्क लेना चाहेंगे तो जोस फैनी है, हालांकि स्वैन हिक्स हैं, आपको स्वैन हिक्स के बारे में बता दें कि
अच्छा खासा प्रदर्शन इन्होंने भी किया है दोनों ही मैचों में, लेकिन उतना कुछ खास नहीं बोला जा सकता उस प्रदर्शन को। तो अगर आप ट्राई करना चाहते तो ग्रैंड लीग में बिल्कुल ट्राई करें, डैनियल फ्लाइन है, इनको आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ग्रैंड लीगों के लिए टीम में ये हो जाएंगे बेहतरीन ऑप्शन, लेकिन अगर आप हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए जा रहे हैं, हेड टू हेड खास करके हेड टू हेड के लिए, तो एमएस रदरफोर्ड, नील ब्रॉम, डेरी मैकल और डैन बोलरिन, ये चार ऑप्शन जो है बैटिंग सेक्शन से सबसे बेहतरीन रहेंगे। और वहीं ऑलराउंडर सेक्शन से बात करते, देखिए ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने यहाँ पे एंटन डोविच मेरे सबसे ये डिफॉल्ट पिक रहने वाले, आप देख सकते हैं कितने परसेंट लोगों ने इनको लिया है। जी हाँ, 91.1 लोगों ने इनको लिया है, तो डिफॉल्ट पिक रहने वाले हैं आप बिल्कुल हेड टू हेड और स्मॉल लीग में इनको लेके जाएं ही जाएं। और उनके बाद यहाँ से मैंने लिया अंडू किचन और माइकल मिचेल सेंटनर को, देखिए इन तीनों को यहाँ से मैंने लिया। अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो यहाँ पे मिचेल सेंटनर को ड्रॉप करके बिल्कुल ले सकते हैं माइकल रिपन को, लेकिन यहाँ पे आ जाएगी आपको क्रेडिट की इशू, तो इसलिए मैंने क्रेडिट को मैनेज करने के लिए यहाँ पे माइकल सेंटनर को जरूर लिया। अगर आप नहीं लेना चाहते तो यहाँ तो ब्रेंट हैम्पटन एक अच्छे पिक हो जाएंगे, अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। वही बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो देखिए बॉलिंग सेक्शन से जेकब डवी को मैंने यहाँ पे पिक किया, और उसके बाद मैंने किया क्रिस्टी विलजॉन और इस सोदी को। देखिए यहाँ पे क्रिस्ट विलजॉन जो है मेरे हिसाब से तो डिफॉल्ट पिक रहेंगे सभी के टीमों में, और देख सकते हैं आप बिल्कुल ही 92.82 लोगों ने इनको पिक किया है, तो मेरे हिसाब से डिफॉल्ट पिक रहेंगे, इनको तो आपको लेके चलना ही चलना है। इस सोदी को मैं यहाँ पे बिल्कुल ही लेके चलूँगा, काफ़ी अच्छे स्पिनर है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। 63.74% लोगों ने इनको पिक किया है, तो काफ़ी अच्छे पिक हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे एक जो ट्राई करना चाहें तो यहाँ पे जेकब डब्बी को ड्रॉप करके बिल्कुल स्कॉट कंक्लूजन के साथ जा सकते हैं। क्यूगलीजन ही थोड़ा सा नाम जो है कॉम्प्लिकेटेड है अपने चैनल की तरफ, तो प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो जाती है इनका नाम, तो इनके साथ आप जाना चाहें स्कॉट के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। और वहीं यहाँ पे मैंने जेकब डब्बी को बिल्कुल पिक किया, टीम सऊदी को मत पिक करना, नहीं खेलेंगे। ब्रेट अर्नल है, ट्रेंट बोल्ट, ये सब तो नहीं खेलेंगे, इनको पिक करना ही नहीं है। स्कॉट को आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं, मैथ्यू बकॉन चांसेस हैं इनके खेलने के, हो सकता है टीम इसको खिलाया जा सकते हैं, हालांकि रिस्की साबित होंगे। तो अगर आप हेड टू हेड के लिए जा रहे हैं स्मॉल लीग के लिए तो बिल्कुल ट्राई ना करें। और उसके बाद जो है नील वैगनर भी तो नहीं खेलेंगे, और उसके बाद बचते हैं आपके पास ऑप्शन कि ब्रेट रैंडल है यहाँ पे जो ऑप्शन, लेकिन ब्रेट रैंडल जो आप देखेंगे पिछले कुछ मुकाबले से नहीं खेले हैं, केवल एक मुकाबला इन्हें खिलाया गया, तो इनको बिल्कुल पिक ना करें। और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो देखिए कैप्टन के लिए अगर आप जाना चाहें बैटिंग सेक्शन से किसी के साथ, तो बैटिंग सेक्शन से सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे डैन बोल्डिन, बैटिंग सेक्शन से सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, और उसके बाद जो होंगे टीम से फिट, क्योंकि आप देखेंगे लगातार पिछले दो मुकाबलों में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया इन्होंने, तो ये एक जो है बहुत बेहतरीन पिक हो जाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए टीम से फिट, तो आप बिल्कुल इनके साथ जा सकते हैं। और वहीं बता दें आपको कि नील ब्रूम भी बहुत ही अच्छे पिक होंगे, डैरी मैकल भी काफ़ी अच्छे पिक होंगे, बहुत ही अच्छे पिक हो जाएंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे एंटन डेविच और अंड्रू किचन को जरूर बनाया, क्योंकि दोनों ही ऑलराउंडर है, आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही अच्छा खासा पॉइंट स्कोर करके दे देंगे, तो यहाँ पे मैंने इनको बनाया है। और अगर आप नहीं जाना चाहते इनके साथ तो यहाँ पे आप डैन बोल्डिन, डैरी मैकल और टीम सर्फिट को भी ट्राई कर सकते हैं। एम एस रदरफोर्ड भी अच्छे पिक हो जाएंगे, नील ब्रूम भी, तो आपके पास काफ़ी सारे बेस्ट ऑप्शन हैं, ये सब आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि आप कैप्टन या वाइस कैप्टन में से किसी एक ऑलराउंडर के साथ जरूर जाएंगे, क्योंकि आपको जो है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही कंट्रीब्यूट करके दे देंगे, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक जो है कैप्टन या वाइस कैप्टन किसी ऑलराउंडर के साथ ही जाएं। तो देख लेते हैं टीम प्रीव्यू, तो ये हमारी टीम रहने वाली इस मुकाबले के लिए। अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल एक दो चेंजेस करके जा सकते हैं, और अपने अनुसार कैप्टन वाइस कैप्टन बना के जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आपके इस भाई का मेहनत पसंद आएगा, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।